हे गाइस, आज का ये जो लुक है वो है अरबिक मेकअप लुक। एक तरह से आप कह सकते हो कैट आइज स्मज प्रूफ काजल लुक। तो अगर आप भी चाहते हो मेरी तरह काजल लगाना, तो आइए गाइस आज स्टार्ट करते हैं हम अपना मेकअप लुक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लूज पाउडर लेंगे, तो भर भर के अपने दोनों आईब्रो में मैंने ये लूज़ पाउडर लगा लिया है, क्योंकि टी जोन जो होता है बहुत ऑयली होता है, ताकि हमारा आईब्रो पेंसिल जो भी है वो स्टे करे। तो यहाँ पे मैंने दोनों आईब्रो पे लूज़ पाउडर लगाने के बाद एंगल ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसे हटा लिया, और यहाँ पे मैं कलर बार का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जो कि डार्क ब्राउन शेड में है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, मैं कैमरा को ज़ूम करके ये शूट कर रही हूँ ताकि आप लोग नज़दीक से देख सको, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है तो मैं कैमरे के लिए मेकअप नहीं करती हूँ, ऐसा मेकअप करती हूँ जो सामने से भी ऑड ना लगे। तो ये जो कलर बार का आईब्रो पेंसिल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत नेचुरल लुक देता है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो मेरा आईब्रो कितना बदला है, तो इसीलिए मैं उसे फील कर रही थी। और अब मैं ली हूँ कैरलॉन का कंसीलर। कैरलॉन का जो मेरे पास पैलेट था उसी में से जो सबसे फेयर शेड था उसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। एक एंगल ब्रश है मेरे पास, तो इससे मैं अच्छे से उस फिनिशिंग दे दे रही हूँ आईब्रो को, ताकि जो भी एक्स्ट्रा मान लो आईब्रो के बाहर मेरा लग गया होगा आईब्रो पेंसिल, तो उससे ये क्लीन हो जाएगा और शेप जो है और भी खूबसूरती से उभर के आएगा। फिर एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर है, उसी की हेल्प से मैं इसे मिला ले रही हूँ, और जो भी बचा कुचा है वो मेकअप करते करते सब सेट हो जाता है। टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा लग गया, कुछ भी ज़्यादा नहीं लगता है, वो मेल्ट हो जाएगा बाद में। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लाइन लग रहा है हार्स, उसको ब्रश से भी आप स्मच कर सकते हो। फिर अभी तो कुछ देर में हम फाउंडेशन भी अप्लाई करेंगे। तो गाइज यहाँ पीछे आप देख रहे हो लड्डू सोई हुई है, और वो मेकअप करते ही उठ जाती है, बहुत बदमाशी करती गाइज। तो आप देखो लड्डू उठ गई। सो मैंने यहाँ पे आईब्रो को कर लिया है कंप्लीट, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक शेड का और पाउडर लेके अपने जो भी आईब्रो के बीच में स्पेस है, जो भी खाली लग रहा है उसको फिल कर दे रही हूँ, ताकि ये जो है ना मतलब खाली खाली ना लगे और थोड़ा सा मैट भी हो जाए ताकि वो फैले ना। तो लड्डू आ चुकी है सब काम बिगाड़ने के लिए। उसे डांट भी रही थी। तो चलिए अब बारी है आईलिड की। तो आईलिड पे मैंने सेम वही वाला ब्रश से, वही वाला कंसीलर बोलो या क्रीमी फाउंडेशन बोलो, जो भी बोलो, मैं वही वाला लगा रही हूँ, क्योंकि इसका शेड भी अच्छा है, इसका टेक्सचर भी अच्छा है, और ये केकी नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत पसंद है। वैसे तो मेरे इतने डार्क अंडर आइज नहीं हैं, एक्चुअली मेरे हो गए थे बेबी होने के बाद, मैं रात रात भर जागती थी तो मेरे हो गए थे, बट मैंने कुछ होम रेमडीज़ ट्राई किया जिससे मेरे डार्क सर्कल गायब हो गए। तो मैं जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और वही वाला लेके हम नीचे आईलिड पे लगा लेते हैं। तो ये बहुत क्रीमी है और अच्छे से लग जाता है, अप्लाई हो जाता है इजी वे में। तो जो भी हल्का फुल्का भी है आपका तो इवन हो जाएगा, तो और अच्छा ही दिखेगा ना, तो इसीलिए नीचे भी थोड़ा सा लगा ले रही हूँ। उसके बाद इसे वही स्पॉन्ज से मिलाते रहना है अच्छा से, कहीं भी हैवी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमें बाहर भी जाना है, क्योंकि आज मुझे लड्डू का वैक्सीनेशन कराने जाना है। तो हबी बोले थे रेडी रहना, तो मैं रेडी भी हो रही थी वहाँ जाने के लिए, और मैंने शूट भी कर लिया आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लूज़ पाउडर ली हूँ, मैं लैक्मी का लूज़ पाउडर ली हूँ, और इसे मैं अपने ब्रश के हेल्प से लगा ले रही हूँ ऊपर नीचे जहाँ पे लगाना, नीचे ज़्यादा करके लगाइएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग काजल फिल करेंगे तो वो फैलेगा नहीं और वो फिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं प्लम का काजल ले रही हूँ गाइस, ये मेरा फेवरेट फेवरेट काजल है, क्योंकि इसका टेक्सचर भी बहुत वेलवेटी है, और प्लस इसका जो कलर है ना
एकदम जेड ब्लैक है, स्मज प्रूफ है, स्मज नहीं होता गाइस। मैं अगर वहाँ से लौट के भी आऊँगी ना तो मेरा लुक जो है ना आइज़ का काजल ना फैलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी होती है। फिर भी अब यहाँ पे मैं एक ब्रश ले रही हूँ, ये मिनी एंगल ब्रश है, और इसके हेल्प से मैं जो भी काजल है उसे स्मच कर ले रही हूँ। स्मच करने से लुक तो अच्छा आता ही है, प्लस आपका काजल फैलता भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, मैं जो मेरा ब्रश है वो एंगल शेप में है, तो मैं यहाँ पे बाहर की ओर खींच रही हूँ, और ज़्यादा ऊपर नहीं करना, नीचे लोअर लाइन जो है ना बस वहीं पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने स्विस ब्यूटी पैलेट से ब्लैक कलर का जो पाउडर था, जो मैंने आईब्रो में भी फिल किया था, वही वाला पाउडर को मैं लेके अपने काजल के ऊपर डैप करके लगा रही हूँ, और फिर इसे भी स्मज करूँगी। गाइस ट्रस्ट मी, मेरा कैमरा गिर गया था गाइस, क्योंकि लड्डू उड़ चुके और वो मेरे मोबाइल पे कब्जा कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे मैंने किस तरह से, आप भी अपना स्किन को थोड़ा सा ना ऊपर की ओर खींच के लगाओगे ना तो ये यहाँ पे लाइन जो हार्श लाइन बन जाता है वो नहीं बनेगा, और बहुत अच्छा लुक लगेगा गाइस। तो अब देखो किस तरह से आप भी अपने आईज़ को ऊपर खींच के करना। अब यहाँ पर मैं जेल लाइनर ले रही हूँ, इससे हम अपने इनर वी में शेप देंगे। तो ये जो अरेबिक आईज़ आप देखते होगे, मेकअप देखते होगे या सर्च करना तो आपको दिखेगा इसी टाइप से, तो ये हूबहू मैं वही मेकअप रिक्रिएट करी हूँ। बहुत इजी और बहुत ग्लैमरस लुक देता है गाइस, और इस पर अगर आप लैशेस लगा लोगे नाइट के पार्टी वगैरह में तो वो वाव लुक देता है, बट मुझे दिन में ही जाना था तो मैं नहीं लगाई। और ये जो आईज़ मेकअप लुक है ना गाइस, वो स्मॉल आईज़ वाले पे ज़्यादा बेस्ट लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने आईलिड को डिफ़ाइन करने के लिए मैट स्विस ब्यूटी पैलेट से ही मैट कलर का ऑरेंज टाइप का शेड ले रही हूँ। इससे मैं कट क्रीज तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ ऊपर में हल्का हल्का लाइन लगाने से क्या होता है ना, आपकी आईज़ को डेप्थ मिलता है। और ये फ्लफी ब्रश से, जिससे मैंने पाउडर लगाया था उसी ब्रश से मैं मिला ले रही हूँ गाइज। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, फिर थोड़ा सा और अगर कलर कम लगे तो और लगा सकते हो, लेकिन मुझे वो डेप्थ नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे कॉन्टोर पैलेट से ये पाउडर ली हूँ, अपना ब्राउज़र ली हूँ, सॉरी कॉन्टोर पैलेट नहीं, ये मेरा ब्राउज़र था, तो ब्राउज़र से मैंने ये लिया और इससे मैंने डेप दिया। अब टाइम है मस्करा का, तो ऑलरेडी मेरे आईलैशेस पे मस्करा लगा हुआ था गाइज, तो थोड़ा हार्ड भी था आईलैशेस उस टाइम पे, बट मैंने ओवरकोट कर लिया। तो ये जो आईलैशेस है ना, ये भी बहुत मस्त ऑसम वाला है, मुझे पसंद है, तो मैं इसका भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो जो मेरे पास अवेलेबल होगा। अब बारी है फेस की, तो गाइस यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा कलर बार वाला प्राइमर नहीं मिल रहा था, तो ये मैंने ऐसे ही बस दिल्ली जब मैं गई थी तो स्ट्रीट से ऐसे ही लिया था, मतलब बहुत चीप कॉस्ट में मुझे मिल गया था अप्रॉक्स 50 रुपीज़ में, तो वैसे ही लोकल वाला मैंने लगा लिया। मैं अपने फेस पर ज़्यादा ब्रांड व्रांड का भी नहीं लगाती, मतलब मिक्स लगाती हूँ, या तो बहुत ब्रांड का लगा लूँगी या तो लोकल, कुछ वैसा ये नहीं है कि मुझे ब्रांड ही चाहिए। तो चलो मैंने उसके लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगा रही हूँ मैट, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज है, और सबसे बड़ी बात इसकी है कि आप डे में भी लगाओगे तो ये फाउंडेशन टाइप का केकी लुक नहीं करता है, एकदम सामने से भी मतलब पता ही नहीं चलता है, स्किन में ऐसे ऑब्जॉर्व करके फुल कवरेज देता है ना गाइस, ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा लुक देता है। और मतलब आप देख रहे हो ये इतना वॉल्वेटी है ना, मतलब मैं लगा रही हूँ और ये स्मूदली लगे जा रहा है। एक होता है ना फाउंडेशन को बहुत घिसना पड़ता है, डैम वैम ऐसा कुछ झंझट नहीं है, फटाक से लगता है, बहुत ऑसम है गाइस। तो इसके बाद अब आ रही है कॉन्टोर की, तो मैंने कैरलॉन का कॉन्टोर लिया है, और वो उसके बाद मैंने उसी में से अपना एक ब्रश किट से पतला ब्रश लिया है, जिससे मैं हेल्प से कॉन्टोर करूँगी। तो मेरा जो मोटापा है आपको मेरे फेस पे दिख रहा है, और डबल चिन पे मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ गाइस लॉकडाउन में, और ये जो हब्बी की था साथ ना खा गया और भी मोटी हो गई हूँ। तो आप देखो ये कॉन्टोर मैंने अपने फेस पे लगा लिया, तो मैं ज़्यादा कट नहीं दे रही हूँ, बस ये अब नोज़ की बारी है, तो नोज़ पे आप देख लो मेरे नोज़ के जो शेप है उस हिसाब से ये वाला कॉन्टोर जाएगा, तो मैंने ये लगा लिया। अब मैं इसे स्पॉन्ज की हेल्प से
मिला ले रही हूँ, आप देखो कैसे इसे डैप डैप करके मिलाओगे तो ये अच्छा से ऑब्जर्व करेगा। और कैरलॉन की तो बात ही अलग है गाइस, ये तो इतना नेचुरल लुक करता है कि मैं क्या ही बोलूँ। आप धूप में भी खड़े रहोगे तो पता नहीं चलेगा कि आप फाउंडेशन लगाए हो। ट्रस्ट मी, आप अगर फाउंडेशन लेने का मूड बना रहे हो या पैलेट लेने का मूड बना रहे हो तो आप कैरलॉन का डर्मा लो। तो गाइस उसके बाद अब मैं अपने ब्रॉन्ज़र को लगा के अपने कॉन्टर को फिट कर दूंगी। तो आप देखो क्योंकि मेरा फेस थोड़ा ओवल हो चुका है, पहले मेरा शेप हार्ट शेप था बट अब जिस तरह से मोटापा मेरे पे हावी है तो मेरे फेस जो है पूरी तरह से राउंड हो चुके हैं। सॉरी, तो अब मैं यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ, स्विस ब्यूटी का पैलेट है, तो इसमें से मैं पिंक शेड ले रही हूँ और जहाँ पे मैंने कॉन्टोर फिट किया था जस्ट उसी के ऊपर मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हो मैं थोड़ा वी शेप करके लगा रही हूँ ताकि हल्का फोरहेड भी कवर हो जाए और हल्का हल्का मैंने नोज़ पे भी पिंक की शेड दिया है और अपने चिन पे भी दिया है ताकि हमारा फेस जो है ना बहुत फ्रेश लुक करे। आप देख रहे हो गाइस जैसे जैसे मेकअप हो रहा है कितना फेस निकल के बाहर आ रहा, निखर के नहीं। अब बारी है हाईलाइट की, तो ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर जो कि मैं हल्का सा यहाँ पे डाल रही हूँ अपने चिक बोन पे, और क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गाल फूला तो मुझे उतना हाइलाइटर हैवी डालने का मन नहीं है अभी फ़िलहाल, बट मैं बाद में बहुत भर भर के लगा लेती हूँ क्योंकि कॉन्टर के बाद फेस स्लिम हो गया था तो मुझे लगा कि मुझे और लगा लेना चाहिए तो मैंने भर भर के लगा लिया। अब यहाँ पे नोज़ पे मैं लगा रही हूँ, तो आप देखो कि ऊपर में लगाना है और नीचे बीच में आप मत डालना एक्स्ट्रा हाइलाइटर, उसी जो है ना उसी को मिला लेना है। और सबसे बड़ी बात है ना गाइस कि मुझे ब्रश से ज़्यादा ना अपने फिंगर से कंफर्टेबल होता है, मेरा बस चलो तो मैं सारा मेकअप अपने फिंगर से ही करूँ। तो गाइस अब चलते हैं लिपस्टिक की ओर। तो लिपस्टिक में मैं लूँगी मरून कलर का लिप लाइनर, तो पहले हम अपने लिप्स को आउटलाइन करेंगे गाइस, क्योंकि मुझे जाना था बाहर तो मैंने अपने लिप्स को बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं बनाया है, जो मेरा शेप था बस उसी के लगभग में ही आउटलाइन किया है, ज़्यादा ऊपर नहीं गई हूँ। अदरवाइज़ मुझे बिग लिप पसंद है बट मेरी मम्मा कहती कि नहीं आपके थिन लिप्स ही अच्छे लगते हैं। सो गाइस यहाँ पे आउटलाइन करने के बाद मैं एक ऑरेंज और मरून कॉम्बिनेशन का लिप कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ही फ्रेश लुक देता है, तो ये मेरा फेवरेट कलर था तो मैंने लगा लिया। और ये मैंने किसी ब्रांड का नहीं लगाया है, बस ऐसे ही लोकल मैंने लिया था, मुझे कलर अच्छा लगा था तो मैंने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, अभी मैं जो मैं पहले बोली थी कि मेरा फेस कॉन्टोर बस स्लिम दिख रहा था तो मैंने हिम्मत करके और भी हाइलाइटर लगाया और ये बहुत प्यारा लग रहा था गाइस सामने से, और ऑफ कोर्स कैमरा पे भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा से अपने लिप्स को, क्योंकि मैंने अपने आईज़ को मैट रखा था इसलिए मैं सोची कि थोड़ा सा लिप्स ग्लॉसी रखूँ, तो मैं मैबलिन का एक पिंक शेड का लिपस्टिक जो कि मेटालिक पिंक था मैंने वो हल्का लगाया और इसके पीछे एक ग्लॉस टाइप का दिया हुआ है तो वो मैं लगा ली ताकि वो स्टिकी ना लगे। तो देखिए ये है मेरा लुक, अब मैं आती हूँ तैयार होके। हे गाइस, तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। और गाइस मेरा तो कलर काम नहीं कर रहा है अभी, जैसा कि आप सब जानते हो मुझे मैसी लुक बहुत पसंद है बट क्या बोलूँ कलर ही काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं अपने हेयर स्टाइल आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फिर कोई और हेयर स्टाइल के लिए अभी टाइम नहीं बचा क्योंकि मुझे जाना है आज, बाबू का वैक्सीन लगने वाला है, सो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप इस पे आईलैशेस लगा सकते हो गाइस, आईलैशेस लगाने के बाद ये जो लुक है ये कैट आईज ये और भी ऑसम लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कितनी भी गर्मी हो ये आपका जो काजल है वो फैलेगा नहीं, बेस्ट पॉइंट है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो वाटरप्रूफ है, तो और ये इतना नेचुरल लगता है कि आप सामने से भी देखोगे तो ये हैवी नहीं लगेगा और ये फुल कवरेज है। तो जो भी है जैसा भी था आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और ये इयररिंग्स मैंने जो अभी पहना है ये मैं इंडिया से ही ली थी,
तो इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैंने इस टाइप का ईयरिंग्स बहुत सारे साइट्स नायका वगैरह पे भी देखा है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं हो सकता है लिंक शेयर करूँ। अदरवाइज थैंक यू गाइस इतना कुछ देखने के लिए और मेरी बकवास को सुनने के लिए। लव यू ऑल, लव यू गाइस, बाय बाय।